मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत बेहतरीन सी वीडियो, HRX फ्लाई व्हील इंडोर साइकिल की वीडियो। हम आए हैं इसके इंस्टॉलेशन के लिए, तो हम आपको बताते हैं इसका इंस्टॉलेशन किस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। हमने पहले बॉक्स को ओपन कर लिया, इसमें कुछ पार्ट्स ऊपर रखे हुए बॉक्स के अंदर, हम इसे रिमूव कर लेंगे। पैकिंग काफ़ी बेहतरीन और शानदार की गई है ताकि एक भी इसका पार्ट जो है डैमेज ना हो, ना स्क्रैच आ सके इसमें। तो हम इसे पैकिंग से निकाल लेंगे, निकालने के बाद जो है इसका इंस्टॉलेशन चालू करेंगे। कंपनी ने प्रोवाइड किया है कैटलॉग, आप देख सकते हैं इस कैटलॉग के अंदर पूरा जो है किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है वो डायग्राम दिया गया है और किस तरह से यूज़ करना है उसमें लिखा हुआ है। तो हमने इस साइकिल को निकाला है, काफ़ी शानदार मॉडल है इसका और इसके अंदर पूरे इसके पार्ट्स हैं, नट बोल्ट्स वगैरह इसी के अंदर है। और कंपनी आपको प्रोवाइड करती है टूल्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है कि अगर आपके पास पर्सनल टूल्स नहीं है तो आप कंपनी के टूल्स से इस साइकिल को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। एलिंक की और पाना दिया गया है, इसके अंदर ये बोल्ट्स वगैरह है और बोल्ट जो है हर साइज़ के हिसाब से बने हुए। और ये इसका बैक सपोर्ट है, इसके अंदर जो है व्हील्स लगे हुए। तो पहले हम इसका बैक सपोर्ट फिट कर लेंगे। इस पाइप पे एरो भी दिया है, आप देख सकते हैं हर पार्ट्स पे मार्क दिया गया है कि आप जो है मार्क से आसानी से फिट कर सकते हैं। ये हमने बोल्ट को लगा लिया और लगाने के बाद हम इसे प्रॉपर टाइट कर लेंगे। इसे हम फिट कर लेंगे प्रॉपर पाने की मदद से। काफ़ी मजबूत है इसके नट बोल्ट भी, हर चीज़ में क्वालिटी है इसके कि जो है हम पाने की मदद से इसे टाइट कर लिया। आप देख सकते हैं व्हील की मदद से आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं, आप इसे मूवमेंट कर सकते हो, आप इस रूम से उस रूम में इसे आसानी से ले जा सकते हो आगे की तरफ से उठा के। अभी हम आगे का पाइप जो है फिट कर लेंगे, जो इसका आगे का सपोर्ट है इसे भी हम सेम उसी तरह फिट कर लेंगे। तो इसमें भी दो नट बोल्ट दिए गए हैं, ये भी प्रॉपर इसी साइज़ के हैं। वाइसर भी जो है पाइप के शेप में बराबर दिए गए हैं, ये जो है कोई दिक्कत ना हो फिट करने के टाइम पर। तो हम इसे भी प्रॉपर फिट कर लेंगे। और इसके साइड में प्लास्टिक का जो है सपोर्ट दिया गया है हल्का सा इसकी हाइट बढ़ाने और घटाने के लिए, तो हम इसके सपोर्ट को एडजस्ट कर दिए। अब हम लगा लेंगे इसके आगे जो हैंडल का सपोर्ट है उसे लगा लेंगे। तो इसके अंदर गियर दिया गया है, तो गियर में एक स्क्रू फिट है, तो हम उसे पहले ओपन कर लेंगे और इस पाइप के अंदर जो है हम गियर के केबल को एंट्री कर देंगे। जिस तरह हम रोड पे चलाते हैं साइकिल उसमें गियर होता है, तो सेम इसी तरह का गियर है। तो ये बटन के तरीके से गियर दिया गया है, मूवमेंट करते हुए इसका गियर कम ज़्यादा होगा। तो हम इसको प्रॉपर स्क्रू से टाइट कर लेंगे इस गियर को। इस गियर से आपके साइकिल की स्पीड कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। हम इसको जो है पहले डिस्प्ले का वायर इसमें दिया गया है, तो हम पहले डिस्प्ले का वायर से कनेक्ट कर लेंगे और फिर जो गियर का केबल आया है उसे हम केबल के साथ अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के बाद जो है इसे प्रॉपर हम पाइप के अंदर एंट्री करके और होल टू होल मैच करके हम इसके नट बोल्ट्स वगैरह को फिट कर लेंगे। तो हमें जो है इसे प्रॉपर टाइट करना है। आप जब फिट करते हो तो आपको मालूम पड़ जाता है कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पर है। तो हम पहले नट बोल्ट्स को लगा लेंगे। इसमें दो नट्स बोल्ट्स और दो एलिंक की स्क्रू दिए गए हैं, काफ़ी मजबूती के साथ इसे फिट किए ताकि जो है पूरा सपोर्ट हमारा इसी पर रहेगा हैंडल पे। साइकिल चलाते वक्त हमारा बैलेंस इस हैंडल पे बना रहेगा। तो जो है आप एलिंकी की मदद से और पाने की मदद से इसे प्रॉपर टाइट कर ले। आप अपना पर्सनल टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है एलिंकी से हमने पूरे स्क्रू टाइट कर लिए, काफ़ी मजबूती के साथ हमने टाइट किया इसे ताकि ज़रा से भी जो है अनबैलेंस ना हो। ये हमारा आगे का जो रॉट है ये प्रॉपर टाइट हो चुका है, आप देख सकते हैं कि हमने पूरे बोल्ट आसानी से टाइट कर लिए। और इसका ये सीट का स्टैंड है, सीट के स्टैंड में भी जो है पीछे फिक्स करने के लिए एक बोल्ट दिया गया है। आप इसे सीट के स्टैंड को टाइट करने के बाद जो है सीट के अंदर भी नीचे एडजस्टमेंट दिया गया है, आप एडजस्टमेंट करके उसे आगे पीछे लगा सकते हैं। तो ये हमने जो है सीट को भी फिट कर लिया, ये हमारी सीट फिट हो चुकी है। और ये आगे का जो हैंडल है वो हम इसे रॉड पे फिट कर लेंगे, जो आगे हमने रॉड लगाया था उसी रॉड पे हमारा आगे का हैंडल फिट हो जाएगा। तो इस हैंडल को हम एलंकी की मदद से पूरा प्रॉपर टाइट कर लेंगे। इसमें भी दो स्क्रू दिए गए हैं एलंकी स्क्रू, उसे हम टाइट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे पूरा प्रॉपर टाइट कर लिया। और ये डिस्प्ले की पहले हम बैटरी लगा लेते हैं।
माइनस प्लस देख के हमने बैटरी को फिट कर लिए। कैप लगाने के बाद जो है केबल कनेक्ट जो है इसमें कलर कोड दिया गया है, यानी आप उसका डिज़ाइन देख के केबल का समझ सकते हैं कौन सा केबल कहाँ का है। तो ये जो एक केबल है ये इससे मैच करता हुआ है, तो हम इसे कनेक्ट करके डिस्प्ले के साथ अटैच कर दिए। डिस्प्ले हमारा ऑन है। अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं हैंडल की। ये हमारा हैंडल के साथ जो पैंडल कनेक्ट है ये हैंडल को हम फिट कर लेंगे। तो हमारा ये हैंडल राइट साइड का इस हैंडल के साथ अटैच हो जाएगा। आप देख सकते हैं मार्क बना हुआ है आर का, राइट से राइट लेफ्ट से लेफ्ट कनेक्ट रहता है, तो कंपनी ने हर जगह एक निशान दिया हुआ है। हम इसका साइड सपोर्ट का नट बोल्ट लगा देंगे ताकि हमारा हैंडल बाहर ना आए। इसे भी हम प्रॉपर टाइट कर लेंगे। प्रॉपर टाइट करने के बाद हमारा पैंडल का हिस्सा फिट कर लेंगे। ये पीछे के जो साइड में है बड़ा सा बोल्ट है, राइट पैंडल में राइट साइड ये टाइट होगा और लेफ्ट में लेफ्ट साइड होगा। आप देख सकते हैं हम ये राइट साइड के पैंडल को राइट साइड की तरफ नट बोल्ट को टाइट कर रहे हैं, और ये राइट साइड में टाइट होते हुए, और ये बैक सपोर्ट है नट बोल्ट का ताकि हमारा प्रॉपर बोल्ट टाइट हो जाए। हमने इस बोल्ट को पूरा प्रॉपर टाइट कर लिया। अब सेम लेफ्ट साइड का भी जो है हमने हैंडल को टाइट कर लेना, हैंडल और पैटर्न को टाइट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में एल लिखा हुआ है, और ये नट बोल्ट हमारा जो है पैंडल के साथ टाइट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इसे हम टाइट कर रहे हैं, यानी लेफ्ट का जो नट बोल्ट है वो लेफ्ट साइड में ट्रेड बना हुआ है। आप लेफ्ट साइड में इसे टाइट करेंगे ताकि हमारे पैंडल मारते वक्त नट बोल्ट लूज होने का कोई चांस ना हो। तो लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, और सेम उसी तरीके से हम पीछे के नट बोल्ट को भी टाइट कर लेंगे। अभी हमारा प्रॉपर हैंडल और पैंडल टाइट है। अब इसमें पैंडल फिट कर लेंगे हम। ये पैंडल है, पैंडल मारने के लिए आपको नट बोल्ट इसके अंदर हम प्रॉपर टाइट कर लेंगे। हमारा पैंडल भी फिटिंग हो जाएगा। नीचे आप पाने की मदद से पैंडल को भी आसानी से टाइट कर लीजिए। हमारे दोनों पैंडल टाइट हो गए। राइट लेफ्ट इस पर भी लिखा हुआ है, आर और एल लिखा हुआ है, तो आप जो है मार्क देखते हुए फिटिंग कर सकते हैं। ये हमारे साइड सपोर्ट है, यानी जो नट बोल्ट वगैरह है उसे कवर करने के लिए कवर है। तो फिनिशिंग के लिए हम कवर लगा देंगे, हर नट बोल्ट पे कवर फिट हो जाएगा। ये हमारी फिनिशिंग के साथ तैयार। ये हमारा जो है डिस्प्ले के साथ दो कनेक्ट जो है हो जाएंगे। इसमें कोई माइनस प्लस नहीं है, आप किसी में भी वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो है स्पीड के साथ केबल कनेक्ट हो चुका है, आपको डिस्प्ले पे बताएगा। डिस्प्ले के हमने स्क्रू निकाल के हैंडल पे स्क्रू टाइट कर लेने हैं ताकि आपको साइकिलिंग करते वक्त नज़र आए कि आप किस स्पीड के साथ चल रहे हैं। ये हमारा डिस्प्ले ऑन हो चुका, अभी हमको चला के दिखा रहे हैं। इस पर स्पीड आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी डिस्प्ले पे। बहुत शानदार साइकिल है ये। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।